Let's go! Are you ready? What's up? Welcome to the channel. बहुत ज़्यादा ठंडा यार. अरे डेकोरेशन देख रहे हो? जिम से कितनी मस्त लग रही है. यहाँ पर भी लगी हुई है एंड यहाँ पर भी लगी हुई है. टाइम की तरफ देखे तो सुबह के अराउंड 7 बज रहे हैं और टाइम को मारते गोली. टेम्परेचर की तरफ देखे तो -5 चल रहा है. ऊपर वाली उंगलियाँ काम नहीं कर रही. जॉइंट्स ये जो है ना इतनी ठंडा है. ये देखो जॉइंट्स पूरे काले हो चुके हैं और दुख रहे हैं. प्लस गाड़ी के अंदर पड़ा हुआ ये पानी जम चुका है जो कि मैंने अभी यहाँ पर रिफिल किया गर्म पानी से. जिम के अंदर नॉर्मली लोग आके ठंडा पानी पीते हैं, मैं गर्म ले रहा हूँ यहाँ पर. और अगर बाहर का व्यू देखें तो लिटरली सारी जगह जो है जम चुकी है. सब कुछ फ्रोजन है यहाँ पर. फ्रोजन मूवी होती है ना, लाइक लिटरली वही चल रहा है यहाँ पर. सब कुछ फ्रोजन हो चुका है. एंड आज यहाँ से करेंगे अपनी पहली एक्सरसाइज. आई थिंक वेट्स फिलहाल शुरुआत में 12 ठीक है. 12 के हम कर सकते हैं करीब 21 कर देते हैं अभी तो. यार लिटरली डबल कर दिया मैंने. रोज आप बिलीव नहीं करोगे, जिम में एक बहुत ही भयंकर लड़ कांड हो चुका है और ये शर्मनाक हादसा देख के ना मेरे को फटाफट यहाँ से निकलना पड़ेगा. पहले निकलता हूँ फिर समझाता हूँ आपको. मैं अभी मैं आ चुका हूँ गाड़ी के अंदर और भाई 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 मैं दिखाता हूँ आपको. एक्चुअली चुप कर ले भाई. हेलो, दरवाजा ही तो खोला है भाई इसका. चुप, शांति. बोली जा रही है पै बजा कर रखा. कांड हो गया, पता नहीं क्या हो गया, बट एनीवेज मैं आपको दिखाता हूँ. और आप नोटिस करना कि एक्चुअली हुआ क्या है. तो ये है मेरे जूते, राइट. तो ये है जूते का निचले वाला हिस्सा, ये देख रहे हो एकदम खतरनाक पूरा बेस यहाँ पर लगा हुआ है. और ये है अपना दूसरा हिस्सा. ऐसे कि जूते का पूरा बेस निकल गया मैन. ये देखो मैं आपको चीज दिखाता हूँ. ये चप्पल है, चप्पल. तो इसको जाना था ऐसे और फट से निकल गया. एम्बैरेसिंग वाली बात पता है क्या है? एम्बैरेसिंग वाली बात ये है कि मैं था ट्रेडमिल पे जॉगिंग कर रहा था, ठीक है. और ये क्या नीचे से खिसक के बाहर गोली की तरह गया है ना, ये मेरे को पता है. जितने बंदे आसपास थे सब ने मेरी तरफ देखा और मन ही पक्का मन ही मन हंसे होंगे वो. तो यार मेरे को ये थोड़ा बहुत एम्बैरेसिंग लगा. तो मेरे को लगता है नॉर्मली गाइस ऐसे सीन्स के बारे में लोगों के बारे में टेंशन नहीं करता. कौन मेरे बारे में क्या सोच रहा है, कौन मेरे बारे में क्या देख रहा है, लेकिन मेरे को टेंशन नहीं होती. लेकिन मेरे को लगा कि यार ओके तो ये थोड़ा बहुत ज्यादा ही हो गया. तो एक काम करते हैं, वहां से मैं गलती हो गया. अब मैं गाड़ी के अंदर आ चुका हूँ और व्यू देखो भाई. माई गॉड, मैं आपको दिखाता हूँ कितना डेंजर व्यू है ना, आपको दिखाता हूँ. तो ये देखो ऑब्वियसली ये गाड़ी बंद है तो फिलहाल -5 चल रहा है. तो बर्फ नहीं पड़ी, कुछ भी नहीं हुआ. और देखो इतनी ठंड है ना कि लाइक सारा जम चुका है, लाइक लिटरली पूरा जम चुका है. और हैंग ना सेकंड यहाँ पर, और मैं यहाँ पर जाऊँगा क्योंकि ना यहाँ पर ये अगर मैं जाऊँगा तो मेरे जूते नीचे से सेफ नहीं है, पूरे पैर जम जाएंगे यहाँ पर. बट एनीवेज यहाँ पर एक छोटी सी नदी है और भाई साहब ये भी रुक चुकी है, लिटरली जम चुकी है ठंड के मारे. कितना मजेदार लग रहा है यार, एकदम मैजिकल लग रहा है यार यहाँ पर. तो ब्रो गाड़ी चलाते समय इस रोड के ऊपर क्या सीन आएगा ना, क्या धुंधला सीन, क्या एपिक व्यू आएगा ना ब्रो, जो मेरे को पता है. तभी मैं सोच रहा हूँ क्यों ना एक डैश कैम लेते हैं यहाँ पर लगाएंगे और पूरा व्यू रिकॉर्ड होगा यार. कितना एपिक, ओके मस्त आइडिया है. डैश कैम नहीं लेते, एक फोन होल्डर लेते हैं जो कि मैं यहाँ पर लगा सकता हूँ. सिंपल एंड इजी लॉजिक भाई, ये दिमाग में ऐसे लॉजिक पता नहीं कहां से आते हैं. तो यार एक काम कर दो, घर जाकर ना सबसे पहले ना मेरे को एक फोन होल्डर ऑर्डर करना. और यार आज जो है एक्चुअली 2 दिन बाद वाला व्लॉग जो लास्ट टाइम मैंने रिकॉर्ड किया था ना, तो आज उसके 2 दिन बाद हो चुकी है. तो इसका मतलब ये है कि अपना हूवर भी आज आने वाला है. लेकिन हूवर लाने से पहले सबसे पहले मेरे को अपने जूते चेंज करने हैं यार. अगर मैं ऐसे घर जाऊंगा ना तो जूते से भी मार खाऊंगा और ये जो जूते का बेस है ना इससे ही मार खाऊंगा. और मारेगा कौन, लॉगी एंड मम्मी दोनों मारेंगे. वो मेरे को बोलेंगे कि भाई इतनी ठंड पड़ रही है, नूपड़े जूते ले ले. सब भैया की गाड़ी देख रहे हो, ये दूसरे भैया की गाड़ी है ब्रोस. तो ये भी एब्सोल्युटली, ये भी इसके ऊपर भी जो है बर्फ पूरी जम चुकी है. मैं ये साथ में लेके क्यों घूम रहा हूँ समझ नहीं आ रही मेरे को. खतरनाक है यार. सब्सक्राइब लिखते हैं भैया की गाड़ी पर सब. तो आप भी गाइस नीचे जाके सब कर दो. अरे यार यहाँ जाएंगे अपने इंटरनेशनल जूते और इसका ये एक्स्ट्रा वाला पार्ट. खुशी वाली बात पता क्या है, मैंने इतना जिम तो आज किया नहीं. मैं करीब जिम के अंदर था करीब 5-10 मिनट तो इट्स ओके. आज नहाना धोना कैंसल. नंबर 1, इतना जिम नहीं किया, इतने पसीने नहीं आए. नंबर 2, ठंडा भाई बहुत ज्यादा. एंड वेलकम टू आवर जिमिंग वाला रूम. सबसे पहले हीटिंग मेरे को चलानी है फुल ब्लास्ट पर. इसका स्विच यहाँ से डाल देते हैं एंड इसको यहाँ से जो है
ऑन कर देते हैं पूरा फुल ब्लास्ट पर, और उसके बाद ना मेरे को दरवाजा ही बंद करना है ताकि यहां से हीट बाहर नहीं जानी चाहिए भाई। कुछ भी बाहर जाए टेंशन नॉट, हीट बाहर नहीं जानी चाहिए किसी भी हालत में। अपने ले जाओ मेरी चप्पल जो कि बहुत सुपर ठंडी है। ओह माय गॉड, अबे गाइस मेरे को बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो गाइस ये है मेरा किचन और ये रहा अपना बॉयलर। आपको तो मैंने लास्ट वाली वीडियो के अंदर दिखा चुका हूं मैं ऑलरेडी कि जब मैं इसको चलाता हूं तो ये घर के अंदर जितनी भी हीटिंग लगी होती है ना हर एक कमरे के अंदर लगी होती है, यहां पर भी लगी है वहां पर भी लगी है, लेकिन लिटरली हर एक कमरे के अंदर लगी होती है और कमरों से बाहर भी लगी होती है ताकि घर गर्म रहे। प्रॉब्लम यह है कि जब मैं आता हूँ कुकिंग वगैरह करता हूँ यहाँ पर तो ये घर पूरा वार्म अप होने में एटलीस्ट मेरा आधा घंटा या 45 मिनट लगते हैं। ऑब्वियसली मेरा घर लाइक थोड़ा एक्स्ट्रा बड़ा है तो उसको वार्म अप होने में 45 मिनट लाइक लगते हैं, तो उस दरमियान मेरी कुकिंग डन हो जाती है। तो मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना एक पोर्टेबल हीटर लेके यहाँ पर रखते हैं यहाँ पर, और जैसे ही उसको चलाया इंस्टेंट हीट आनी चाहिए इंस्टेंट। तो यार ठंड के अंदर कुकिंग करने का फंडा ही खत्म। और मैं सोच रहा हूँ कि गैस वाला लेते हैं जिसके अंदर लिटरली गैस के सिलेंडर जो है कनेक्ट करते हैं तो एकदम से जलते ही फट आग फेंकता, लिटरली फ्लेम थ्रोवर है वो। मैं आज मंगा कर लेके आता हूँ क्योंकि अभी नहीं मंगाऊंगा तो यार ठंड के बाद उसका मैंने अचार डालना है क्या। वैसे ठंड में एक चीज बहुत स्वाद देती है और वो है चाय। ठंडा मौसम सुबह के 10 बज रहे हैं एंड चाय, क्या मजे आ रहे हैं यार। ओके अभी जाकर ना थोड़ी बहुत मेरे को यहाँ पर वीडियोस वगैरह रिकॉर्ड करनी है। लॉकी का फोन भी आ चुका थोड़ी देर पहले और उसने मेरे को बोल के रखा है कि अपने जो हमने जो हुवर मंगा कर रखा था ना वो झाड़ू वो भी आ चुका, तो आज मेरे को सबसे पहले लॉकी के घर जाके उसकी अनबॉक्सिंग भी करनी है। खतरनाक प्लानिंग आज तो भाई। भाई पूरी हालत खराब हो चुकी है, लेकिन हाई पिक्सल की वीडियो डन। ये देखो 2 घंटे और 26 मिनट की वीडियो है और अभी का इस सारा काम खत्म। अभी चलते हैं लॉकी के घर और अपना जो ब्रांड न्यू हुवर आ चुका ना उसको खोलते हैं। ये वाले जूते तो ऑब्वियसली हम रोज पहन नहीं सकते तो फिलहाल गुजारा करते हैं इनसे। ओह माय गॉड होली क्रैप। होली शिट यार। एंड चलो 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 बेसिकली रोज अभी आ चुका था नेक्स्ट डे क्योंकि इसको मुझे कल खोलना था और कल आ चुके थे अपने गेस्ट। और अभी भाई इसके तुम लोगों ने ये पुराने अपने स्टूडियो में क्या हाल कर दिया। व्हाट द हेल, ये नहीं चल रही ऊपर ये बल्ब का साइज देखो भाई। तुम ये लैंड माइनक्राफ्ट की वो चलवा लो टॉर्च चलवा लो। ये देख रहे हो बल्ब का हाल है ये। तो सबसे पहले मेरे को ये पर्दा खींच रहे हैं और आपको दिखाता अपना पुराने स्टूडियो का हाल। व्हाट द हेल, साइकिल की पार्किंग बन चुकी है यहाँ पर, अपना कंप्यूटर पड़ा होता था। इन लोगों ने इस जगह को लेजेंडरी जगह को साइकिल की पार्किंग बना दी है यहाँ पर इन लोगों ने। और अगर इस तरफ देखू तो होली क्रैप ये वही लल्ला प्लाटी नहीं है वो जहाँ पर लाइट ही नहीं है। तो यहाँ पर मेरा सेटअप बड़ा होता था और यहाँ पर ये जरा सी जगह देते ना घर वालों को जरा सी जगह वहां पर somehow कचरा आ जाता है। पर अब गाइस ये रहा अपना हुवर जो कि हमने आज इस वाली वीडियो के अंदर इस वाले व्लॉग के अंदर खोलना है। तो गाइस ये रहा अपना डायसन का नया झाड़ू। बाय द वे दिस वीडियो इज नॉट स्पॉन्सर्ड बाय डायसन। मैंने उनको बोला था कि हुवर भेजो, इतने ढीर बंदे उन लोगों ने कुछ भी नहीं भेजा। तो यार जेब से खर्च के मैं ये ले रहा हूँ, बट इज ओके यार लेना यार क्योंकि पुराने वाला जो डायसन था पूरा खराब हो चुका था। लेकिन अभी टाइम टू अपग्रेड। ऑब्वियसली ब्रोस ब्लैक फ्राइडे की सेल थी तो हमें जरूरत डिस्काउंट मिल गया। खतरनाक पैकेजिंग का भी, वो भी झाड़ू के लिए। क्या कर रहे हो भाई, झाड़ू खोलना एक्सपर्ट नहीं है भाई। अब झाड़ू खोलने के लिए ड्रिल चाहिए क्या मेरे को? ओह माय गॉड, मजाक खुद से चैलेंज है भाई, खुद से खुद का चैलेंज है ये। जितना खर्चा उन लोगों ने पैकेजिंग पर किया ना इतना खर्चा झाड़ू पर कर लिया होता। आई डोंट थिंक इसको ऐसे खोलना है बट लो अब तो खुल चुका है ऐसे इसको खोल दिया। ओह माय गॉड, ये क्या देख रखा है वसीयत है ये झाड़ू की वसीयत है। आज से ये झाड़ू हमारे नाम पे हो चुका है। ये है ये झाड़ू के कागजात भाई, पूरे डॉक्यूमेंट साथ में आए हैं इसके भाई। ये झाड़ू बटन है, नॉर्मली जो प्ले बटन भेजती है ये न्यू अचीवमेंट। क्या है भाई इसके अंदर, क्या दिखा चिट्ठी लिखी हुई है इसके ऊपर। ये झाड़ू प्ले बटन है गाइस, ये अपना झाड़ू। तो ये है इससे कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स। ऑब्वियसली ये भाई कितना हैवी है, तो बेसिकली ये ब्रश है तो ये ब्रश करके सब कुछ हड़प लेता है।
ये है झाड़ू अल्ट्रा 5000 मिनी गन नहीं है वो, मिनी गन नहीं है वो। ओके आई थिंक अभी ये आएगा फाइनल न्यूक अपना द मेन पार्ट, और इसको यहां से इसके ऊपर भी पैकेजिंग है। नेक्स्ट टाइम कभी झाड़ू अनबॉक्सिंग नहीं करूंगा मैं। ऑलराइट, तो ये जाएगा इसके अंदर आई बिलीव, एंड ये जाएगा यहाँ इसके अंदर, एंड अच्छा यहाँ से अटैचमेंट। ये यहाँ पर सेलो टेप लगाने का कोई मतलब है? ये क्या है, ये कोई मतलब है इसका? ओके तो ये आई थिंक ऐसे क्लिक हो जाएगा। लेट्स गो, झाड़ू रेडी, लगाइए। क्या कर दिया तभी मैं लगाऊं तो पुराना झाड़ू खराब कर सकते। अभी चलो ठीक है, अभी ठीक है, अभी ठीक है। प्लग डाल के देखूं तो ये ऊपर रविश पड़ा हुआ है, अभी मेरे को रविश को खींचना है। ठीक है ना, रेडी हो? चलो पहले चालू है ये। ओ भाई कितना स्मूथ है। तो गाइस शायद आपको याद नहीं होगा, लास्ट वाला झाड़ू इतना हार्ड था ना, उसको ऐसे ऐसे मारना पड़ता था, और ये एक हाथ से। मेरा झाड़ू मारने का मन कर रहा है आज। यार तो गेस्टों ने पूरा दिमाग खराब करके रखा हुआ है। मेरे को ना ये हुआ कल खोलना था, लेकिन कल मैं जैसे ही घर में घुसा ना तो ऐस की देख रहा हूँ 50 गेस्ट घर के अंदर बैठे हुए हैं, और आज फिर से गेस्टों को आना है तो मुझे उनकी देख रेख करने के लिए वही चौमूबंदी करनी है ना जो करते रहते हैं। बिस्कुट लेके आओ, नमकीन लेके आओ, दूध लेके आओ। मैं अभी इसी काम के लिए रह गया हूँ, दूध लेके आओ, नमकीन लेके आओ, गेस्टों की सेवा करो। लेकिन चलो कोई बात नहीं गाइस, फटाफट से ये भी कर लेते हैं। गाड़ी के अंदर पड़े होते हैं हमेशा ये रहिए। और आज संडे है तो ये जगह इतनी बिजी होगी ना मैं बता नहीं पा रहा। और ऑब्वियसली गाइस पार्किंग देख रहे हो, पूरी पार्किंग ने फुल है, तो भैंस की पार्किंग नहीं मिल रही, अंदर तो पक्का लड़ाइयां हो रही होंगी। ओके सबसे पहले ना मेरे को यहाँ से छोटी सी बास्केट ले लेनी है। मैंने बोला था ना अंदर लड़ाइयां चल रही होंगी, देख रहे हो लिटरली सब कुछ खाली हो चुका है। सब कुछ खाली, पूरी शेल्फें खाली हो चुकी है मैन। ओके तो मेरे को गार्लिक लेनी है। कौन बिलीव करेगा कि मैं व्लॉगर हूँ, टमाटरों पे भैंस के व्लॉग निकल रहे हैं। चलो 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 चलो, ओ यहाँ से अपनी गाड़ी फटाफट से करो अनलॉक। वन सेकंड यार, मेरे को यकीन नहीं आ रहा कि मैं सब्जियों से व्लॉग निकाल रहा हूँ यार, व्हाट इज दिस बिहेवियर ब्रो। मेरे को लगा था कि गेस्ट घर के अंदर आते हैं, जो बना होगा थोड़ा बहुत वो भी ले लेते हैं, लेकिन ये वाले अजीब है भैंस की, बोल रहे कि मैं घर में आ रहा हूँ, मेरे को गोभी बना के दियो। हे भगवान, ऐसे गेस्टों से बचाए यार। मेरे को अभी तक यकीन नहीं आ रहा कि गेस्ट हमको बोल के आ रहे हैं कि मैं आ रहा हूँ प्लस गोभी बना के रखना। ना नाइस है भाई, वेल डन भाई, वेल डन। एंड ये रही ब्रोस अपनी सुपरमार्केट नंबर 2। यहाँ पर आपको दो चीजें हमेशा मिलेंगी, नंबर 1 निराशा, नंबर 2 महंगाई। मैं रश पता इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अभी बज चुके हैं 3:30। देखो टाइम भी देकर रखा हुआ ऊपर, 3:30 बज चुके हैं और ये लोग 4 बजे भाग जाते हैं। और आपको तो पता है कि अगर आज गोभी नहीं मिले ना तो घर आना मुश्किल हो जाएगा अपना। प्लीज बता दो यहाँ पर गोभी है, प्लीज होने तो चाहिए यार। ओके नाइस, एक्चुअली पड़े हैं और वो भी ऑफर पे। इसे बोलते हैं ब्रोस गोभी व्लॉगिंग। लेकिन मेरे को गार्लिक नहीं मिली, नहीं ना गार्लिक जिंजर नहीं मिली मेरे को ना ब्रोस। दिमाग के अंदर एक बात आई है, मैं ये सोच रहा हूँ कि ये जो अपने फेलो व्लॉगर्स हैं, जो दोस्त लोग हैं जैसे सौरभ भाई हो गए और बाकी जितने भी बड़े बड़े व्लॉगर्स हैं, ये क्या सोचते होंगे कि हमें व्लॉग करने के लिए दुबई जाना पड़ रहा है, महंगी महंगी गाड़ियां लेनी पड़ रही हैं, कस्टमाइज करना पड़ रहा है, और ये बंदा गोभियों से व्लॉग निकाल रहा है। निकालो यहाँ से अपने गोभी। आए 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 आए, सारा काम खत्म करने के बाद ब्रोस अभी सिर्फ मेरे को एक चीज करनी है, चाय पीनी है, वो भी लेट के। देख रहे हो मेरे को लेट के चाय पीना बहुत अच्छा लगता है यार, एकदम रिलैक्स। तो चलिए गाइस, छोटे से व्लॉग में इतना काफी था, मेरे को तो बहुत मजा आया। अगर आपको मजा आया तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वाले व्लॉग में। बाय।